Hello everyone, welcome back to another video of Your Desi Girl. So today I am taking walk with my grandmother, वो मेरी दादी हैं and हम लोग को आज आशिमा मॉल जाना था तो हमने सोचा कि उसके पहले मैं थोड़ी सी दादी को वॉक करवा लूँ और फिर हम लोग आशिमा मॉल के लिए निकल गए. वी हैड सम वर्क ओवर देयर. पता है बहुत दिन हो गए थे हम लोगों को बाहर गए हुए साथ में कहीं पर. और एक्चुअली मेरी दादी की कंडीशन ऐसी है आफ्टर 2 strokes कि हम उनको कहीं बाहर लेके नहीं जा पाते और ना हम सब लोग साथ में जा पाते हैं. सो वी थॉट कि चलो आज तो पूरी की पूरी फैमिली बाहर जाएगी. तो हम लोग बढ़िया मॉल गए, वहाँ जाकर हमने अपना सारा आधार का काम वगैरह सब कुछ अपडेट करवाया क्योंकि हमने रेसिडेंस अपना चेंज किया था काफ़ी टाइम पहले, लाइक ऑलमोस्ट 1 year पहले. तो हमारा अपडेटेड नहीं था आधार कार्ड. सो वी थॉट कि हम सारी डिटेल्स वगैरह अपडेट करवा लें. तो मैं हॉस्पिटल से आने के बाद, लाइक मेरी इंटर्नशिप के आने के बाद, हम लोग सब लोग मतलब सब घर वाले मेरा ही वेट कर रहे थे कि मैं आ जाऊं. उसके बाद हम सब लोग साथ में आधार गए, ऑफिस गए, सारा काम निपटाया. लगभग 2 घंटे हमें लगे थे वहाँ. हेलो जी, हेलो. हम लोग घर आ चुके हैं और अभी का अपडेट, मेरी बहन की तबीयत हो गई है ख़राब और वो अभी, उसको पता नहीं क्यों वायरल चढ़ गया है एंड इट्स नॉट कोविड. काफ़ी हालत ख़राब है तो अब उसके लिए पैम्परिंग के लिए, भाई हमारे घर में इतनी बहनें हैं और सबसे सबकी फेवरेट बहन जो है, आइए आइए गेस्ट अपीयरेंस दीजिए अपना. तो ये बैठी हैं हमारी, क्या क्या नाम है आपको बता दीजिए. एलिन. हाँ, तो हम इसको गुनगुन बुलाते हैं. तो ये आई है यहाँ पर, दिखा तो क्या लेकर आई है. ये लेकर आई है यहाँ पे पुडिंग. ये लाइए कुछ यहाँ यम्मी सी एकदम पुडिंग. ये है लीची की पुडिंग और ये कुछ मैंने पहली बार सुना है, ये है फ्रूट कतली, है ना. मैंने अभी एक टेस्ट करी है, मैं और नहीं खाऊंगी वरना ना मेरी बहन मेरे को अच्छे से मारने वाली है क्योंकि उसके लिए आई है. तो बहुत यम्मी. हमारे ऐसे ही पैम्परिंग सेशन होता है, जब किसी की तबीयत खराब हुई तो दूसरी बहने बिल्कुल लग जाएंगी. गुनगुन तेरी जैकेट बड़ी अच्छी लग रही है. पापा लोगों के पास वाकई में अपन से ज्यादा सही एकदम ऑन ट्रेंड वाले कपड़े होते हैं ना. उनको पता भी नहीं चलता कब गायब हो जाते हैं कपड़े. और ये हमारे ऊपर पूरी परी की निशानियाँ, ये देखो टॉप पे हर जगह पे बस बाल ही बाल परी के. हर बार यही रहता है. तो मेरा और परू का दोनों का टाइम पास यहाँ पे अच्छा खासा हो चुका है. देखो कितना प्यारा वेदर हो रहा है, काफ़ी टाइम बाद ना इतना अच्छा सा खुला हुआ मौसम हुआ है. तो अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए, सब्जी वाले भैया. तो अब मैं जा रही हूँ कॉफ़ी बनाने के लिए और फिर मैं ऊपर बैठ के बढ़िया कॉफ़ी वॉफ़ी पीऊँगी. आज मुझे शाम में कहीं नहीं जाना है तो शाम के वक्त यहीं, मतलब मैं एक्चुअली व्लॉगिंग करती हूँ ना तो मैं शाम के वक्त जब फ्री रहती हूँ तब करती हूँ. कन्वीनियंट रहता है यार, नहीं तो फिर दिक्कत होती है. अब शाम का वक्त है और मुझे है ना घर पे रह रहे अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा बाहर एक वॉक लेकर आया जाए. मैंने अपने जल्दी से ईयरफोन्स उठाए, अपना मास्क उठाया, सपोज़ इंट्रोवर्ट वाला साइड मेरा बाहर आ गया तो, और मैं बाहर जाके वॉक करने के लिए मैंने स्टार्ट किया. बट बारिश होनी चालू हो गई थी तो हमने अम्ब्रेला ले लिया. वेलकम बैक. आई वाज नॉट फीलिंग गुड घर पे एक्चुअली. अभी एक हफ्ते से है ना, आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट.
यू कुड फेयरली सी माई फेस. अभी बारिश हो रही है. आई थॉट टू टेक अ वॉक बाहर एंड गाने लगाकर और लाइक विदाउट यूजिंग स्क्रीन, बट फिर मैंने सोचा थोड़ी व्लॉगिंग भी कर ही लेते हैं रास्ते में, तो मैं ज़रा सी व्लॉगिंग करूँगी और या सो दैट यू कैन सी माई फेस. तो मैं अभी वॉक करके, मतलब बारिश स्टार्ट हो गई थी बट आई थॉट थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ, आई वुड फील बेटर एंड लिटरली आई एम फीलिंग बेटर नाउ. तो मैं सब वॉक करके घर जाती हूँ. 10-15 मिनट और मुझे घर पहुँचने में लगेंगे, फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से. When things are not going good ना, like your way, घर में रहने से थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा लगती है, चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं बोल रही मैं कि घर से निकल जाओ, फिर टेरेस पे चले जाओ अपने, मतलब समथिंग विच यू डोंट डू यूजुअली, तो यू फील बेटर एंड या आई एम फीलिंग बेटर नाउ. पूरा गौतम नगर घूम लिया यार. हेलो जी, वापस आ गई हूँ घर पे. अभी काफ़ी टाइम हो गया, लगभग आधा घंटा हो गया. आई एम फाइनली स्वेटिंग आफ्टर कितना ज़्यादा टाइम डूइंग एनी वर्कआउट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. मुझे है ना, जब मैं जिम जाती हूँ तब भी मुझे कार्डियो ही पसंद आता है हर बार, तो बट या आई ट्राइड दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. तो कभी लो फील हो रहा है ना तो अच्छा लगता है जाना वॉक के ऊपर, मतलब आज मुझे अच्छा लगा. हाँ, और बारिश में तो कुछ ज़्यादा अच्छा लगा छाता लेके वॉक करने में. तो अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए और ये फिर हम ब्लॉग ख़त्म करेंगे.